कक्षा 11वीं के छात्रों के लिए लेकर आया हूँ। कल का जो आपका शुक्रवार का 20 तारीख का इंग्लिश का पेपर है, कक्षा 11वीं 12वीं का त्रैमासिक परीक्षा का रियल पेपर, इसमें समय रहेगा आपका 3 घंटे का। मैक्सिमम जो आपके नंबर रहेंगे वो रहेंगे इसके 80 अंक का पेपर रहेगा, 100% यही पेपर आपको देखने को मिलेगा। मुझे पहले से मिल गया है तो जल्दी जल्दी आप इसको रट लीजिए, 101% यही पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका 80 अंकों का रहेगा। इसमें पहला रहेगा ऑल क्वेश्चन और कंपलसरी मार्क क्वेश्चन गिवन अगेन देम, और सेक्शन ए में इसको रीड द फॉलोइंग पैसेज आंसर क्वेश्चन पेसेज, तो इस पूरे पेसेज को अपन को पढ़ना है और नीचे लिखे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। इसको आप अच्छी तरीके से रट लें, यही पेपर आपको कल कक्षा 11वीं का दिन शुक्रवार को 2 बजे आपको यही पेपर देखने को मिलेगा। तो इसके आंसर देने हैं, व्हाट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकेडमिक्स। अब नेक्स्ट है इसका, भाट इज कंडीशन एंड हॉक्स, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आपका जो तीसरा है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट है इसका चौथे का, द शिफ्ट इन एजुकेशन सिस्टम मीन्स, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू फोकस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है इसका पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा अनट्रू, ऑप्शन नंबर बी। और छठवें का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आपका ये लास्ट वाले का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये था दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 के अभी ये कुछ और क्वेश्चन हैं। इसमें है द, इसका हो जाएगा राइट आंसर सेंचुरी, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट एंटोनिम्स यूनिक्यू का हो जाएगा कॉमन, क्लासरूम टीचिंग प्रोवाइड्स, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, द फाउंडेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली मेक्स नोट्स ऑन गिव सूटेबल टाइटल, ये अपन का रहेगा दोस्तों 4 अंकों का प्रश्न है दोस्तों, कल शुक्रवार को आपको यही पेपर देखने को मिलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपका 4 नंबर का रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका 4 नंबर का रहेगा, और आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी 4 नंबर का रहेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, यू आर द मेंबर ऑफ स्कूल ECU क्लब, राइट नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट अबाउट 3 प्लांट देयर इन योर स्कूल, और ये आपका तीसरे का अथवा हो जाएगा, और ये आपका चौथा राइट एंड राइट ए लेटर, और ये आपका पांचवा राइट एंड आर्टिकल ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, ये भी आपका 4 नंबर का रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंस गेम्स स्पोर्ट इम्पैक्ट ग्लोबल वार्मिंग बेनिफिट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सेक्शन सी फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5, ये भी आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो पहले का हो जाएगा ए, दे आर वॉचिंग ए मूवी, दूसरे का हो जाएगा आपका मच, हाउ मच, तीसरे का आपका हो जाएगा फ्यू, चौथे का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर वेंट, पांचवें का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मी, और छठे का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हुज। तो ये थे दोस्तों आपके खालिस्तान, इसको भी आप अच्छी तरीके से रख लीजिए। नेक्स्ट है इसका डू एज डायरेक्ट एनी 5, डू एज डायरेक्ट करना है इन में से कोई 5, तो पहला इसका राजा क्राइड टू मिल्क चेंज इनटू प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, ये 5वां 6वां, तो आप इसको देख लीजिए। ये है क्वेश्चन नंबर 8 सेक्शन डी, वो अभी मैं आपको दिखा दूंगा 7वें के, ये है आपका 5 नंबर का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली और आंसर दीज क्वेश्चन, तो ये कुछ पहले का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूसरे का इसका व्हाट डज अवर कंस्ट्रक्शन एवॉल्व, तो ए, नेक्स्ट का हो जाएगा बी, और द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स कॉल्ड, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और लास्ट वाले का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो इसको भी आप अच्छी तरीके से रट लें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, इस पोएम को पढ़कर हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं दोस्तों। तो ये रही पोएम, इसको अच्छे से देख लें, व्हाट डज द फादर विश फॉर, ऑप्शन नंबर ए अंडरस्टैंडिंग, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप फादर एंड सन स्ट्रेंड, और तीसरे का है ग्रीफ, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ये भी आपका दोस्तों 4 नंबर का रहेगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज आंसर दीज गिवन ब्लू, नेक्स्ट इसको पढ़ना है और इन क्वेश्चनों के आपको आंसर देने हैं। तो ये आपका हाउ डिड एल्बर्ट फील अबाउट गोइंग टू स्कूल, तो इसका ऑप्शन नंबर डी ग्रेटफुल, सेकेंड का ऑप्शन नंबर सी अंटिल कंप्लीट हिज डिप्लोमा, और थर्ड का इसका बैड फूड, ऑप्शन नंबर बी, और फोर्थ का इसका एट होम विद हिज फैमिली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ये आपका दोस्तों 10 नंबर का रहेगा, ये आंसर दीज फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 13 वर्ड एनी 5, इसमें से 6 में से कोई 5 करने हैं, और आपको ये 10 नंबर के रहेंगे, 2 नंबर के रहेंगे मतलब। क्वेश्चन नंबर 11 आपका रहेगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 वर्ड, ये भी आपको इन 4 में से कोई 3 करने हैं, ये भी आपके 2 नंबर के रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 वर्ड एनी 2, ये भी आपको करने हैं 3 में से कोई 2, ये भी आपके 2 नंबर के रहेंगे, 100% रट लीजिए दोस्तों, यही पेपर आएगा आपका कल शुक्रवार को कक्षा 11वीं का अंग्रेजी का। क्वेश्चन नंबर 13, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 75 वर्ड एनी 2, ये भी आपको करने हैं 3 में से 2, ये आपके 3 नंबर के रहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है इसका
क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द सेंट्रल थीम्स ऑफ पोएम लबूर टॉप। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा, तो इसको भी आप अच्छी तरीके से देख लें। ये दोस्तों आपका कक्षा 11वीं का विषय अंग्रेजी का पेपर है, जो कि 20 सितंबर को होना है, आपका रियल पेपर है शुक्रवार को। कल आपको यही पेपर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है इसका 15, डिड द बॉयज रिटर्न हॉर्स बिकॉज दे आर वे कंसेंस स्ट्रिकन बिकॉज दे वे आर अफ्रेड। तो ये था दोस्तों आपका कक्षा 11वीं का विषय अंग्रेजी का पेपर, दिन शुक्रवार का 20 सितंबर का, रियल पेपर कल यही देखने को मिलेगा। इसके आंसर हैं अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।